टीवी के हैंडसम हंक जय भानुशाली के लिए 2019 काफी लकी साबित हो रहा है। अब ये तो हम सब जानते हैं, जल्द ही माही और जय अपने नन्हे बेबी को वेलकम करने वाले हैं, जिसकी न्यूज जय और माही ने हाल ही में अपने वेल विशर्स के साथ शेयर की थी। और अब माही अक्सर सोशल मीडिया पर लाइफ के इन न्यू फेज के चैप्टर्स को शेयर करती रहती हैं। और अब जय का नया अवतार भी देखने को मिलने वाला है। जय अग्रवाल वाली कुड़ी के साथ दिखेगा जय का कूल स्वैग। रोमांटिक अंदाज के साथ कुड़ियों के दिलों पर राज करने के लिए आ रहे हैं जय। मुंबई में लॉन्च किया गया जय भानुशाली का फर्स्ट म्यूजिक एल्बम वीडियो, जिसमें जय भानुशाली का दिख रहा है अलग ही अवतार। इस सॉन्ग में जय की जगुआर वाली कुड़ी बनी है नन अदर देन इंडियन प्रिंसेस फेम चांदनी। चलिए अब आपकी खास मुलाकात करवाते हैं जय और चांदनी से। सबसे पहले जय से सॉन्ग को शूट करने का एक्सपीरियंस जान लेते हैं। It was fantastic. It was lovely working with Chandni and काफ़ी मज़ा आया ये गाना शूट करके। दिस इज़ माई फर्स्ट पंजाबी वीडियो, एक्चुअली मेरा म्यूज़िक वीडियो में ये मेरा पहला ही म्यूज़िक वीडियो है। सो हमेशा मेमोरीज हमेशा रहती है लाइफ टाइम, वट एवर यू डू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ आते हैं, बट दिस थिंग यू नो रियली अट्रैक्टेड मी अ लॉट, बिकॉज ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग में आने के कैपेबिलिटी में है। एंड इससे पहले जो भी मुझे गाने आते थे वो हमेशा वो रोमांटिक गाने और वही मतलब क्या कहते हैं, वो एक गाना आज फिर क्या कर लिया लोगों को लगता है, उसके बाद वही सिर्फ कर सकता, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा था यार उसके अलावा जो भी कुछ आया था मैं करूँगा, एंड दिस इज़ वॉट समथिंग इट वॉज डिफरेंट एंड यूनिक, सो मैंने हाँ कही। आइए अब चांदनी से भी जान लेते हैं कि जय के साथ अपना फर्स्ट म्यूजिक वीडियो शूट करके उन्हें कैसा फील हो रहा है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसको चाहेंगे, तो मैंने बोला कि तो मुझे अभी तक लग रहा था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मेहरबानी से मैं था, तो खाली फोकट में उनको थैंक यू बोले थे, मैं तो जो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। सो आई सेड कि मुझे जय जी के साथ काम करना है। सो फिर इन्हें अप्रोच किया गया, ऑफकोर्स इनका कॉल था वो लेना, बट इन्हें भी गाना अच्छा लगा और हमने ये सॉन्ग साथ में शूट किया। बहुत फन था, इट वॉज लाइक अ पार्टी, क्योंकि पूरी रात का शूट था। सो या मैंने इन्हें टीवी पे देखा है और जो इन्होंने सॉन्ग्स किए हैं इतने रोमांटिक, और तो ऑब्वियसली हर लड़की को ऐसा रोमांटिक लवर चाहिए। सो सॉन्ग में अपने ऑपोजिट, या सो बिल्कुल। वैसे जय आप जब भी स्क्रीन पर लौट कर आते हैं तो फैंस में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, ऐसे में आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट वांट टू से एवरीवन दैट प्लीज गिव ऑल द लव टू दिस सॉन्ग, एंड चांदनी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो देखिए, इसे पसंद कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर ऑल द टिकटॉक वीडियोस। मैं देखना चाहूँगा कि किस तरह से यूनिक यूनिक आइडियाज से लोग आजकल, मैं देखता हूँ ना स्पेशली हमारा जो लोखंड वाला बैक रोड हो गया है उसका नाम बदल के टिकटॉक वाली गली हो गई है, मतलब मैं हर बार जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई तो मुझे दिख ही जाता है। सो मुझे लगता है वो आजकल वैसे भी सिटीज़ के नेम चेंज होते जा रहे हैं, क्या बोलते हैं बॉम्बे मुंबई हो रहा है अलग, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ लोग बैक रोड लोखंड वाला का नाम हटा के बैक रोड टिकटॉक वाला कर दो, क्योंकि जितने भी मैं यू नो बाहर से मैं देखता हूँ बहुत सारे फैंस आते हैं यू नो इन टिकटॉक वाले लोगों को मिलने के लिए, यू नो सारे टैलेंटेड लोगों को मिलने के लिए, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आइए हमारे बैक रोड में, वो उनका फिल्म सिटी है। प्लीज़ जैसे हमारा गोरेगांव फिल्म सिटी है, हमारे लिए ये इनकी फिल्म सिटी है बैक रोड। आइए आपको ढेर सारे मिलेंगे, और शाम को यू नो ट्वाइलाइट के टाइम पर तो डेफिनेटली मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम पर बड़े अच्छे वीडियोज मिलते हैं। हाँ वेल, विवेश के फैंस का प्यार जय और चांदनी पर यूं ही बरकरार रहे और दोनों ही अपनी एक्टिंग स्किल से फैंस के दिलों पर राज करते रहे। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।